मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक मिनट बोलो सर, ये जो होम्योपैथिक काउंसिल को खत्म करके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाया जा रहा है, ये इस काउंसिल की स्वायत्तता को खत्म करेगी। इसके अंदर कहा गया है कि भ्रष्ट हो चुकी थी काउंसिल, अगर काउंसिल भ्रष्ट हो गई तो आपके पास बहुत से तरीके हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लेने के, परंतु काउंसिल के चुने हुए डॉक्टर उसके अंदर आते हैं, जब चुने हुए डॉक्टर उसके अंदर आते हैं तो उनको उस फील्ड का तजुर्बा होता है। अगर आप उस फील्ड के तजुर्बे के बिना बढ़ा देंगे तो काउंसिल का जो बेसिक करेक्टर है वो खत्म हो जाएगा। मैं कहता हूँ होम्योपैथिक काउंसिल की जो स्वायत्तता है इस बोर्ड के माध्यम से उसको खत्म करने की ये एक साजिश है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर बोर्ड ऑफ गवर्नर सरकार बनाना चाहती है तो बोर्ड भी अपना उद्देश्य पूरा करके एक साल के अंदर सप्ताह खत्म होना चाहिए और काउंसिल रिकॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए, ताकि इस फील्ड के जो डॉक्टर जिन्होंने वर्षों मेहनत करके इस फील्ड में महारत हासिल की है उनको इसका एडमिनिस्ट्रेशन करने की परमिशन मिले और होम्योपैथिक कॉलेज दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सके। धन्यवाद।